हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। चंद्रवंशी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनू सर। आज आप लोग के लिए लेकर आए हैं पैराग्राफ। तो चलिए, हम ऐसे पिछला वीडियो में एक भाग वन वीडियो है जिसमें कि 5 पैराग्राफ आप लोग को बताए हैं, और ये हमारा भाग 2 वीडियो है पैराग्राफ का, ठीक है। इसमें हम आप लोग को 4 और बताएंगे, ठीक है। तो चलिए, पहला हमारा है यहाँ पे कि लाइफ इन ए बिग सिटी। पहला टॉपिक ये है कि लाइफ इन ए बिग सिटी, इसी पे एक पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। लाइफ इन ए बिग सिटी का मतलब होता है कि एक बड़े शहर में जीवन, ठीक है। तो चलिए लिखेंगे कि लाइफ इन ए बिग सिटी, बड़े शहर में जीवन इज वेरी स्ट्रेंज, बहुत ही अजीब तरह का होता है। एंड फुल ऑफ चांसेस, और मौका से भरा हुआ होता है, ठीक है, अवसर से भरा हुआ होता है। सिटी लाइक इज वेरी लॉनली, जो सिटी है ना शहर, उसमें लॉनली का मतलब होता है अकेला, तो बहुत अकेला। एंड सेल्फिश यानी स्वार्थी, ठीक है। एवरीवन यानी हर कोई लुक्स बिजी, हर कोई वहां बिजी दिखते हैं। इन आवर सेल्फ, अपने आप में वहां जहां शहर के जो लोग हैं वो अपने आप में क्या रहते हैं, बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं। ही और सी, ही का मतलब ये पुरुष के लिए, उसी का मतलब स्त्री के लिए, ठीक है। ही और सी हैज नो टाइम, उन लोगों के पास समय नहीं रहता है फॉर अदर्स, दूसरों लोगों के लिए, ठीक है, दूसरों लोगों के लिए उन लोगों के पास समय नहीं रहता है। मैन एंड वुमेन, पुरुष और औरत, आर पंक्चुअल, ठीक है, दोनों पूरा समय निष्ठ रहते हैं, दोनों के पास समय नहीं रहता है ना। देयर इज अ हॉस्टल एंड बॉस्टल ऑल अराउंड, और वहां है से यहां वहां जो है भीड़ भाड़ और हलचल चारों तरफ रहता है शहर में ना, इन द सिटी, शहर में। द स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ पीपुल, जो अमीर दर्जा के लोग रहते हैं, इज वेरी हायर, बहुत ऊंची स्थिति में रहते हैं। देन दोज हु लिव इन विलेज, जो लोग गांव में रहते हैं उन लोगों से ऊंचा स्थिति में वे लोग रहते हैं, यानी ऊंचा दर्जा उन लोगों को मिलता है शहर के लोगों को। बट लेकिन सिटी पीपुल हैव मोर रिस्क देन विलेज पीपुल, शहर के लोगों को जो है ज्यादा जोखिम उठाना पड़ता है, ज्यादा रिस्क लेना पड़ता है गांव के लोगों से ज्यादा, देन विलेज पीपुल यानी गांव के लोगों से ज्यादा, ठीक है। ओनली केवल देयर इज एन अट्रैक्शन, केवल यहां एक चीज अट्रैक्शन करता है यानी आकर्षित करता है, ऑफ ऑल फैसिलिटीज, सभी सुविधाएं, फैसिलिटीज का मतलब सुविधाएं, इन सिटी शहर में, दैट जो, दैट का मतलब यहां जो मीनिंग लिखना है, ठीक है। ड्रॉ पीपुल टूवर्ड्स, जो लोगों को क्या करता है अपनी ओर टूवर्ड्स ड्रॉ, ठीक है, आकर्षित करता है, खींचता है। बट लेकिन रियलिटी यानी वास्तविकता में इट इज इट्स इनवर्स, ये उसका प्रतिलोम होता है, उल्टा हो जाता है, ठीक है, विपरीत। हेयर देयर यानी यहां वहां इज अ ग्रेट स्ट्रगल, ग्रेट स्ट्रगल, स्ट्रगल का मतलब होता है परेशान, ठीक है। इन एवरी वर्क ऑफ लाइफ, वहां के लोग जो हैं हर एक तरह के काम में, के जीवन में परेशान रहते हैं। अलदाव, इसको अलदाव पढ़ना, अलदाव का मतलब होता है हालांकि। देयर आर मोर मीन्स ऑफ ईज,
इसका मतलब था व्यस्त एंड कंफर्ट्स लाइफ इन द सिटी, शहर में, ठीक है। हार्डेस्ट एंड हार्डलेस आर ऑल्सो मोर, ठीक है। तो ये हमारा पहला टॉपिक था। अब दूसरा टॉपिक देखेंगे हम लोग कि दूसरा टॉपिक है क्या, ठीक है। चलिए दूसरा टॉपिक देखते हैं। देखिएगा दूसरा पैराग्राफ है, इम्पोर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ। यह आपका एग्जाम में पूछ सकता है। हेल्थ इज वेल्थ, यानी स्वास्थ्य धन है के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। तो चलिए लिखेंगे कि हेल्थ इज द मोस्ट वैल्यूएबल। वैल्यूएबल का मतलब होता है मूल्यवान एसेट ऑफ ह्यूमन लाइफ। एसेट्स का मतलब होता है धन, ठीक है, संपत्ति। ह्यूमन लाइफ का मतलब मानव जीवन के लिए। तो हेल्थ इज द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। ये जो हेल्थ है यानी स्वस्थ है, ये मानव जीवन के लिए बहुत ही बड़ा धन है ना, मूल्यवान धन है। ए मैन कैन नॉट लीड, एक आदमी कैन नॉट लीड ऑफ हैप्पी, एक आदमी खुशी खुशी से आगे नहीं बढ़ सकता है एंड प्रोस्पेरस लाइफ, और अपने जीवन को समृद्ध यानी अच्छा नहीं बना सकता है। कॉमा इफ ही इज सिक, यदि वह बीमार रहेगा तो वह आगे नहीं बढ़ सकता है, ठीक है। इट इज सैड दैट, ऐसा कहा जाता है कि वेल्थ इज लॉस्ट, अगर धन खोया है कोमा तो समथिंग इज लॉस्ट, तो कुछ चीज खोया। अगर धन खोया है तो ज्यादा कुछ नहीं, कुछ चीज खोया है, बट लेकिन हेल्थ इज लॉस्ट, अगर स्वस्थ खोया है तो एवरीथिंग इज लॉस्ट, तो सब चीज खो गया। अगर पूरा स्वस्थ खो गया, अपना स्वस्थ को खो गया तो सब चीज खो गया, ठीक है। There would be no mental peace, और यहाँ जो है मानसिक रूप से चैन नहीं लगेगा, ठीक है, बेचैन लगेगा। मेंटल का मतलब होता है मानसिक रूप से, पीस का मतलब बेचैन, चैन, ठीक है, चैन। This would be a stumbling block on the path, पथ का मतलब होता है मार्ग। His progress का मतलब, प्रोग्रेस का मतलब होता है प्रगति करना, और स्टम्बलिंग का मतलब होता है ठोकर, ठीक है। तो ये जो है आगे बढ़ने का जो प्रगति करने का जो मार्ग है वो एक ठोकर बन के रह जाएगा, ठीक है, आगे आके अड़ जाएगा। कब? जब हम स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। वी कैन वर्क हार्ड, हम लोगों को कड़ी से कड़ी मेहनत, वी मेहनत कर सकते हैं, ओनली केवल वी आर हेल्दी, अगर हम केवल हम लोग स्वस्थ रहे तो हम लोग कड़ा से कड़ा परिश्रम हम लोग कर सकते हैं। सो इसीलिए द सक्सेस ऑफ लाइफ डिपेंड्स ऑन गुड, इसीलिए जो है स्वस्थ, हाँ, सफल पाने के लिए स्वस्थ होना जरूरी है, स्वस्थ पे निर्भर करता है सफल पाने के लिए। एंड साउंड हेल्थ, और अच्छी रहन सहन डिपेंड करता है, निर्भर करता है। टू प्रोजर्व हेल्थ वी हैव टू फॉलो सर्टेन रूल्स, और हम लोगों को स्वस्थ रहने के लिए कुछ नियम को फॉलो करना होगा, कुछ नियम को मानना होगा। विच वुड अनेबल अस टू कीप आवर बॉडी, और कौन से लोग, जो लोग अपने बॉडी को असमर्थ रखने के लिए इच्छुक रहेंगे, एंड और माइंड स्ट्रॉन्ग, और अपने दिमाग को मजबूत करेंगे। ट्रूली सैड दैट, ऐसा कहा जाता है, सच्चाई ऐसा कहा जाता है कि हेल्थ इज वेल्थ, कि स्वस्थ ही धन है। अगर हम स्वस्थ नहीं है तो धन रह के कुछ नहीं कर पाएगा,
ठीक है, इसलिए कहा गया कि स्वस्थ क्या है, धन है। ठीक है, अब चलिए हम तीसरा टॉपिक, तीसरा टॉपिक रहेगा वर्क इज वर्शिप, तीसरा टॉपिक रहेगा वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है, तीसरा टॉपिक है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वर्क इज वर्शिप, ठीक है, कर्म ही पूजा है, लिखेंगे कि वर्क इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप, कि कर्म ही पूजा है। ठीक है, इफ यदि वर्शिप मेक्स अस नोबल, नोबल का मतलब होता है महान, ठीक है, एंड पियोस का मतलब पवित्र, वर्क बिल्ड अप बनाता है आवर कैरेक्टर, यानी कर्म ही है से हम लोगों के चरित्र को और कर्म को पवित्र और महान बनाता है, कर्म ही, ठीक है, जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही। ठीक है, एन इडलर डिपेंड्स, एन इडलर डिपेंड्स यानी इडलर का मतलब होता है आलसी व्यक्ति, एन इडलर डिपेंड्स, आलसी डिपेंड्स का मतलब निर्भर करता है अपॉन अदर्स यानी एक दूसरे पर, एंड बिकम्स ए पैरासाइट, पैरासाइट का मतलब होता है परजीवी, ठीक है, और वह एक परजीवी बन जाता है, एक दूसरे पर निर्भर करने लगता है। रेस्ट इज रस्ट, और विश्वास ही एक जंग है। ठीक है, ग्रेटनेस कम्स इन लाइफ बाय हार्ड वर्क, और महानता बनाता है जैसे जितना हम कड़ी मेहनत करेंगे उतना ही हमें महान बनाएगा। ठीक है, जितना ही भरोसा करेंगे। गॉड्स हाफ कम्स ओनली फॉर दोज हु टेक्स डेलाइट इन वर्क, और गॉड्स जो है हाफ का मतलब आधा, कम्स ओनली ऑफ दोज हु टेक्स डिलाइट इन वर्क, और भगवान से हैं आधा आशीर्वाद से हैं उसको अपना कर्म पे देते हैं, कि वो जैसा कर्म करेगा वैसा उसको आशीर्वाद मिलेगा। ठीक है, हार्ड वर्क्स यानी कड़ी मेहनत आर प्राइज्ड एंड रिवार्डेड एवरीवेयर, जितना कड़ा मेहनत करेंगे उसका फल हर जगह मिलेगा कहीं पे भी, एंड और बाय एवरीवन, और हर कोई के द्वारा मिलेगा क्या आशीर्वाद, जैसा कर्म करेंगे वैसा मिलेगा। इट इज ओनली वर्क दैट ब्रिंग्स पीस ऑफ माइंड एंड कंटेंट इन हर्ट, हर्ट का मतलब दिल। ठीक है, वर्क इज अ बून इटसेल्फ, वर्क इज अ बून इट सेल्फ। ठीक है, इट इज ओनली वर्क दैट की ब्रिंग्स ग्लोरी प्राइड एंड सेल्वेशन। ठीक है, इट इज वेल सेड, मोर यू वर्क बेटर यू फील ड्यू टू सक्सेस, अगर आप जैसा कर्म करेंगे उस तरह से आपको सफलता मिलेगा। ठीक है, यू गेट बाय वर्क, अपने काम के द्वारा जैसा कर्म करेगा वैसे ही वैसे वैसे सक्सेस मिलेगा, सफलता मिलेगा। व्हेन जब यू फील बेटर, जब आप अच्छा महसूस करते हैं, यू वर्क मोर एंड मोर, तब अच्छा महसूस करेंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए। ठीक है, अब अगला टॉपिक चौथा देखेंगे। ठीक है, चौथा टॉपिक रहेगा माई विलेज, माई विलेज पे। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? नो। देखिएगा अगला है माई विलेज यानी मेरा गांव। ठीक है, लिखेंगे कि आई लिव एट झाबर, आप लोग जो गांव में रहेंगे उस गांव का नाम लिखेंगे, तो आई लिव एट झाबर, मैं झाबर में रहता हूं, इट इज अ स्मॉल विलेज, और यह एक छोटा सा गांव है। ठीक है, इट इज इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्लामू, और ये जो है प्लामू जिला में आता है, हमारा गांव जो है ये कौन सा जिला में आता है, प्लामू जिला में। दिस विलेज इज थिकली, थिकली का मतलब होता है घनी, घना,
पॉपुलेटेड का मतलब होता है आबादी। तो ये जो गांव है ये घनी आबादी वाला गांव है, ठीक है। पीपुल ऑफ ऑल रिलीजन्स, रिलीजन्स का मतलब होता है धर्म, लिव हेयर, और यहाँ जो है सभी तरह सभी धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं। बट लेकिन देयर इज यूनिटी, यूनिटी का मतलब होता है एकता, एमोंग का मतलब होता है के बीच, देम का मतलब उन लोगों के बीच। तो यहां से लेकिन यहां से है उन सबों के बीच क्या है, एकता है। हम लोगों के बीच, सभी धर्म के लोगों के बीच क्या है, एकता है। हाफ ऑफ द विलेजर्स यानी गांव के आधा लोग आर फार्मर्स यानी किसान है। जो गांव के जो आधा लोग है ना वे लोग क्या है, किसान है, फार्मर है। सम आर यानी कुछ लोग इन बिजनेस, और कुछ लोग जो है वो बिजनेस लाइन में है, बिजनेस करते हैं। सम आर इन सर्विसेज, और कुछ लोग जो है सर्विस में है, ठीक है, नौकरी पे है। ओनली ए फ्यू, केवल थोड़ा लोग आर रिच इन द विलेज, और कुछ लोग, थोड़ा लोग हमारे गांव में अमीर हैं, ठीक है। रिच का मतलब अमीर। द रेस्ट, ये रेस्ट का मतलब शेष, द रेस्ट आर पुअर, और शेष जो बच के वे लोग क्या है, गरीब लोग है ना। द विलेज हैव 5 मिडिल स्कूल एंड 1 हाई स्कूल। हमारे गांव में जो है 5 मिडिल स्कूल और 1 हाई स्कूल है, ठीक है। देयर इज अ पोस्ट ऑफिस एट द विलेज, और इस गांव में एक पोस्ट ऑफिस भी है, इसी गांव में, ठीक है, पोस्ट ऑफिस भी है। वी हैव ऑल्सो बैंक, और बैंक भी है, और क्या है, बैंक भी है हम लोगों के गांव में। द रोड ऑफ द इज नॉट गुड, और यहाँ का जो रोड है ना वो अच्छा नहीं है। गुड रोड्स एंड हॉस्पिटल्स आर नीड ऑफ द विलेज, अच्छा रोड और एक अच्छा हॉस्पिटल की हमारे गांव में क्या है, जरूरत है, आवश्यकता है। इट लुक्स ऑलवेज, यह हमेशा दिखता है ग्रीन यानी हरा भरा, ये जो गांव है ना हमेशा हरा भरा दिखते रहता है। इट सो इसीलिए इट इज अ ब्यूटीफुल टू लुक एट, और इसीलिए इस गांव में देखने में बहुत अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। आई एम प्राउड ऑफ माई विलेज, और मैं अपने गांव पे गर्व करता हूँ, गर्व करता हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में हम 4 आप लोगों को पैराग्राफ बताएं, ये पार्ट 2 वीडियो था, भाग 2 था, भाग 1 में 5 बताए थे, और अगला जो भाग 3 वीडियो होगा उसमें भी आप लोग को पैराग्राफ ही बताया जाएगा, लेकिन वो पैराग्राफ आप लोग का एग्जाम में 8 नंबर का पूछेगा। जो पैराग्राफ हम भाग 3 में बताएंगे वो पैराग्राफ आपका एग्जाम में 8 नंबर का आएगा, ठीक है। इसलिए अच्छा से लिखना है और समझना है, ठीक है। तो